नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अलका। आज भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े पटना हाईकोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने शताब्दी भवन का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि सीजेआई शुक्रवार शाम पटना पहुंचे, जहां उन्होंने राजभवन में राज्यपाल फाल्गू चौहान से मुलाकात की। वहीं शताब्दी भवन के उद्घाटन के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नवीन सिन्हा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जुड़ गए हैं। जी मनोज जी, शताब्दी भवन का उद्घाटन हुआ है, अभी क्या कुछ चल रहा है वहाँ? देखिए, अभी तो शताब्दी भवन का उद्घाटन हुआ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अरविंद बोबड़े ने किया है, और उसके बाद में अभी कार्यक्रम चल रहा है जिसमें जो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार हैं, केंद्रीय जो विधि मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो हैं ही, और सुप्रीम कोर्ट के और भी जस्टिस यहाँ इसमें शामिल हैं, नवीन सिन्हा हैं, इंदिरा बनर्जी हैं, हेमंत गुप्ता हैं, पटना हाई कोर्ट के भी जो चीफ जस्टिस हैं संजय करोल और कई जजेस भी हैं। तो कार्यक्रम अभी चल रहा है, लेकिन ये जो शताब्दी भवन है, ये शताब्दी भवन देखिए पटना हाई कोर्ट में 47 जजों की बैठने की व्यवस्था है। यहाँ पर जो पद जो सृजित किया गया है वो 43 जज के जज यहाँ पर बैठते हैं, और 43 कोर्ट रूम के साथ एक संविधान न्यायालय कक्ष भी इस शताब्दी भवन में बनाया गया है। न्यायाधीशों के लिए 57 चैंबर बनाया गया है, 6 समिति कक्ष बनाया गया है, एक सम्मेलन कक्ष बनाया गया है जिसमें 90 व्यक्ति बैठ सकते हैं, 2 पुस्तकालय बनाया गया है, एक महिला लाउंज है। तो ये पूरा जो है एक तरह से कहा जाए तो हाई टेक्नोलॉजी से पूरा लिप्त है ये शताब्दी भवन, और ये बहुत ही ये जो इसका जो शिलान्यास आधारशिला रखा गया था ये 2014 में रखा गया था, बसंत पंचमी के दिन इसकी आधारशिला रखी गई थी, लेकिन इसका जो एस्टिमेट बना था और जो इसका संरचना थी उसको 2 साल में पूरा कर लेनी थी, लेकिन बीच में कुछ ठेकेदार का मामला बीच में आया था, लेकिन काम थोड़ा पेंडिंग पड़ा, थोड़ा लंबा चला, और ये जिस समय इसके आधारशिला रखी गई थी उस समय 116 करोड़ की लागत से बनने वाली थी ये शताब्दी भवन, लेकिन ये लगभग 203 करोड़ या 204 करोड़ के आसपास में ये बन पाई है। तो एक तरह से कहा जाए तो अभी ये जो शताब्दी भवन जो बनी है पटना हाई कोर्ट में, ये बहुत ही बेहतरीन अभी सुविधा से संपन्न लैस ये बनाया गया है। हालांकि अगर इतिहास देखें तो पटना हाई कोर्ट 3 फरवरी 1916 को यहाँ पर निर्मित हुई थी ये हाई कोर्ट, और जिस तरह से दिनों दिन इसमें जो मामले हैं, जो केसेस हैं, उनकी जो रेशियो है दिन पर दिन बढ़ती चली गई, दिन पर दिन जो है जजेस की भी संख्या बढ़ती चली गई, और जो अभी परिस्थितियां चल रही है जो पॉपुलेशन के मुताबिक यहाँ पर जजेस की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी लगातार होती रही है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये जो शताब्दी भवन बना है इसमें कोई दो मत नहीं है कि पटना हाई कोर्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा संसाधन की व्यवस्था की गई है। अलका जी, मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।